हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं लच्छेदार कुरकुरे प्याज के पकोड़े। बनाने में बहुत ही आसान है और पकोड़े तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए लच्छेदार प्याज के पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज के लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 4 मीडियम साइज के प्याज, जिनको छील करके देखिए धोकर के रखा है हमने। सबसे पहले हम प्याज को लंबे लंबे साइज में पतला पतला कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे प्याज के लंबे लंबे पीस कट कर लिए हैं। अब हमने लिया है एक बाउल और कटे हुए प्याज को हम बाउल में डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक। 2 हरी मिर्च हमने लंबे लंबे साइज में कट करके रखी हैं, ये भी हम प्याज में डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम पिसी हुई सौंफ डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं ताकि इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। अब हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन, साथ ही हम डाल देंगे 2 चम्मच चावल का आटा। बहुत ज्यादा नहीं डालना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं इसके भी ये पीस अलग अलग हो जाएं। ये देखिए, अभी हम इसमें 1/2 चम्मच बेसन और डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब बेसन की क्वांटिटी है वो पूरी है, ना कम है ना ज्यादा है। अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर। हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। हमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हम बिल्कुल 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज के लच्छेदार पकौड़े के लिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। ऑयल गरम हो चुका है, आइए प्याज के पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड चेंज कर देंगे। देखिए, हमारे प्याज के पकौड़े बनके रेडी हैं। कलर भी बहुत बढ़िया आया है और लच्छे भी बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं और बहुत ही कुरकुरे भी हैं। आइए कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे प्याज के लच्छेदार पकौड़े। एक एक लच्छा नजर आ रहा है। इसी तरह सारे पकौड़े तल के तैयार कर लेंगे। सभी पकौड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। देखिए, दूसरा राउंड भी तैयार हो गया है। आइए गर्मा गर्म प्याज के लच्छेदार पकौड़े सर्व कर देते हैं। प्याज के लच्छेदार पकौड़े रेडी हो चुके हैं, देखिए बढ़िया लग रहे हैं। और बारिश के मौसम में जब आपका मन करे तब आप बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। और मैं इसको गर्मा गर्म पकौड़ों को सर्व कर रही हूँ। आप इसको चाय के साथ में, सॉस के साथ में, हरी चटनी के साथ में, जैसे पसंद करें वैसे बना के खा सकते हैं। देखिए, मैंने सॉस के साथ में प्याज के लच्छेदार पकौड़े सर्व कर दिए हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। ये देखिए, मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल दिया है।
देखिए हमने प्याज के पकोड़े सर्व कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा तो खाने का मन कर रहा है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।